थोड़ा सा आगे कीजिए, आगे कीजिए, आगे बढ़ाइए गाड़ी, आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, सिस्टर आगे बढ़ाइए गाड़ी। प्रेशर हटा रहे, हटा रहे, स्लोली धीरे धीरे धीरे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे धर्मजत भाई, पुरोहित भाइयों, सभी धर्म बहनों, पूरे रांची महाधर्म प्रांत के विश्वासीगण जो विभिन्न पल्लियों से हैं और अन्य जगह से आए हुए मेरे विश्वासी माता पिता भाइयों बहनों बेटे बेटियों, आज हम महामहिम कार्डिनल टेलेस्पोर पी टोप्पो की मांडर हॉस्पिटल, जिनके लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई और इनका विजन था कि यह एक बहुत बड़ा जगह बने पूरे उत्तर भारत के लोगों के लिए और विशेष करके आदिवासी भाई बहनों के लिए, और अपने जीवन के करीब 8 महीने उन्होंने यहाँ पर बिताए और अपनी प्रार्थना द्वारा, अपनी उपस्थिति द्वारा इस जगह और इस CBCI योजना को उन्होंने आशीर्वाद दिया है। और आज उसका पार्थिव शरीर इस अस्पताल से अपने ही महाधर्म प्रांत के महागिरजाघर की ओर रवाना होने वाला है। हम अपनी प्रार्थना द्वारा ख्रिस्त के मुक्तिप्रद मरण और पुनरुत्थान की शक्ति पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। हम इस दुख की घड़ी में हम में से प्रत्येक जन को और विशेष रूप से महामहिम कार्डिनल के परिवार, सगे संबंधी
माधम प्रांत के सभी पुरोहित धन समझे भाई बहन विश्वासियों को सहानुभूति दिखाएं, इसे वे सच्चे भ्रतृ प्रेम का अनुभव कर पिता ईश्वर की दयालुता पर पूरा भरोसा रख सकें। हम प्रभु येसु की ये बातें याद करें, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम संत पौलुस के साथ बोल सकते हैं, धन्य हो हमारे प्रभु येसु ख्रीस्त का ईश्वर तथा पिता, परम दयालु पिता, शांति का ईश्वर, जो हमारे सब संकटों में हमें दिलासा देते हैं। आइए हम एक छोटा पाठ सुने। तीमथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। यदि हम उनके साथ मर गए हैं तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। दाऊद के वंश यीशु मसीह को बराबर याद रखिए, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दूर रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह हमें भी अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुखर जाएंगे तो वह प्रतिज्ञात बने रहते हुए, क्योंकि वह अपने स्वर स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। क्या प्रभु की वाणी है। एक छोटा गीत अनुवाद कर अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र में विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहान के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी
न घबरा जाए। ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाके तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते ही। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी जानते कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हो? यीशु ने उसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हम महामहिम कार्डिनल के बहुत सारे गुणों से अवगत हैं। उनमें से पहला गुण कि वे एक दृढ़ विश्वासी थे, और आज का वचन भी वही कहता है कि जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हम विश्वास करते हैं कि महामहिम कार्डिनल इस दुनिया में उसी विश्वास के आधार पर और उसी से प्रेरणा पाकर बहुत सारे अच्छाई का काम किए। हम विशेष रूप से माधम प्रांत में किए गए सभी कार्यों के लिए, पूरे झारखंड क्षेत्रीय कलेशिया के सभी सुंदर और पवित्र कार्यों के लिए, पूरे देश और विश्वव्यापी कलेशिया मानव जाति के लिए जितने भी उन्होंने सुंदर और भला काम किया है, सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हुए हम उनकी आत्मा को ईश्वर को समर्पित करते हैं। ईश्वर उन पर दया करे और उन्हें अनंत शांति प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे महामहिम कार्डिनल के सुंदर और पवित्र जीवन के लिए, उनके भलाई के सभी कार्यों के लिए। हम तुझसे इस घड़ी प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर, और हम सभी दुखित और संतप्त प्रियजनों को सांत्वना और दिलासा प्रदान कर। हम हमारे महामहिम कार्डिनल की आत्मा को तेरे हाथों समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई महामहिम कार्डिनल अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर पिता के पास पहुंच रहे हैं, यहाँ स्वर्ग दूत और संतगण इनका स्वागत करते हैं। हमारा शोक विश्वास भरोसे और आनंद से परिपूर्ण होना चाहिए। ईश्वर करे कि हम ख्रिस्त मनोभाव से हमारे महामहिम कार्डिनल यहाँ से विदाई और कल की दफन विधि संपन्न कर सकें। आए हम हमारे महामहिम कार्डिनल की आत्मा को ईश्वर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र आवे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा हो स्वर्ग में हो वैसे भूमि पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु भय से बचा। आमीन। मरिया कृपा से पूर्ण रूप से साथ है, धन्य है जिसने हमें
और धन्य है तेरे गर्भ का प्रभु यीशु। हे संत मां मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का प्रभु यीशु। हे संत मां मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का प्रभु यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना करो पापियों के लिए। हे संत मरिया, हे संत योसेफ, मरे विश्वासियों की आत्माएं, प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम सबों पर उतरे और सदा बना रहे। डियर लॉर्डशिप्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, द अंतिम यात्रा ऑफ हिज एमिनेंस कार्डिनल थॉमस फॉर टोपो, हिज मॉर्टल रिमेन्स विल बी टेकन टू सेंट मेरीज कैथेड्रल पुरलिया रोड रांची। नाउ वी विल बी, दिस इज अ स्पिरिचुअल जर्नी दैट वी गिव टू His Eminence. Therefore, we will be following the exact order that will be instructed by Father Pradeep. I request Father Pradeep to come. Father Pradeep will give the order. That order, the ambulance. हमारे महामहिम कार्डिनल सेलेस्टोस्वी टोपो के श्रद्धांजलि यात्रा पर उपस्थित हैं। मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह यात्रा भक्तिपूर्ण और प्रार्थनामय हो, जिससे कि हम हमारे आदरणीय महामहिम कार्डिनल टोपो को हम श्रद्धांजलि दे पाए। तो आज की यात्रा का क्रम इस प्रकार रहेगा। सत्य मोटरसाइकिल स्पोर्टिंग वाले रहेंगे और जितने भी विश्वासीगण हैं जो अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रोड के दोनों ओर एकत्रित हैं, वे अपनी जगह पर खड़ा होकर के रोई पुष्प बरसा करके प्रार्थना करके गीत गा करके हम हमारे उसके तुरंत बाद लोहिया उसमें दारू है हम लोगों का वो रहेगा उसके ठीक नीचे में काफ़ी लोकप्रिय मतलब हिंदू थे और उनका जो मतलब आज जो मतलब अंतिम यात्रा जो निकाला जा रहा है वाकई में सारे देश के लिए एक बहुत मतलब शोक की बात है।
से देखो। साइड करते जाना है। अब निकल लो बोलो सर, घूम करके कहां गेट पीछे आएगा ना, और इधर पीछे आएगा। चलो ए थोड़ा थोड़ा दबो। भैया थोड़ा पीछे रुकिए ना।
हाँ भैया हम लोग को